प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा एवं जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने एनेक्सी भवन सभागार में आयोजित विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा बैठक किया। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि सेफ्टी, कनेक्टिविटी एवं इलेक्ट्रिसिटी सरकार की प्रमुखताओं में से एक है। शासन की नीतियों निर्णयों का 100% अनुपालन सुनिश्चित हो और शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि आम जनमानस शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक हों। योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता पर विशेष बल देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी अवश्य दी जाए क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए तथा योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले और सत्यापनों प्रांत अपात्रों का नाम सूची से पृथक किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक सभी पात्रों को आवास से आच्छादित करना भारत सरकार का सपना है, अतः कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित हो कि किसी भी योजना में बिचौलियों का प्रवेश कदापि न होने पाए। खाद्यान्न वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि राशन कार्ड धारकों को गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए। राशन वितरण प्रणाली काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि रिक्त कोटे की दुकानों को शीघ्र भरा जाए तथा आवंटन में महिला स्वयं सहायता समूहों को वरीयता प्रदान की जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाई जाए और सभी पात्र व्यक्तियों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जाए तथा शिविर लगाकर कार्ड बनाए जाए। यह योजना गरीबों को जीवन प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य प्रदान करना हम सब का नैतिक दायित्व है। कार्य पूरी ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा तथा टीम भावना के साथ किए जाएं ताकि उसके बेहतर से बेहतर परिणाम परिलक्षित होंगे। उन्होंने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी मरीज दवा के अभाव में वापस ना जाए। स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की उपस्थिति अवश्य बनी रहे। कोई भी स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक विहीन नहीं होने चाहिए और स्वास्थ्य केंद्रों पर इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाए और अस्पतालों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित हो कि जनपद पूरी तरह कुपोषण मुक्त रहे। इस हेतु एक अभियान के तहत कुपोषित बच्चों को पोषण की श्रेणी में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी चिकित्सक, SDM, CO, तहसीलदार अपने तैनाती स्थल पर ही निवास करें ताकि जन समस्याओं के निराकरण में सुगमता हो सके। अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन अवश्य अटेंड करें तथा उनके समस्याओं का गुणवत्ता युक्त निस्तारण समयबद्ध ढंग से करें। निराश्रित गो आश्रय स्थल की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी गो आश्रय स्थलों पर चारा, पानी, छाया आदि की समुचित व्यवस्था हो तथा इसका निरंतर निरीक्षण किया जाए और अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करें। उन्होंने कहा कि गोआश्रय स्थलों में सभी जनप्रतिनिधि तथा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भूसा दान करें और ऐसे लोगों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाए क्योंकि किसी भी योजना की सफलता में जन सहयोग आवश्यक होता है। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि वरासत के मामलों को प्रमुखता के आधार पर शिविर आयोजित कर निपटाया जाए और चक्रोट, तालाब के पट्टों आदि के मामले विधिक प्रक्रिया के तहत निस्तारित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी संपत्तियों पर यदि कहीं भी अतिक्रमण पाया जाए तो उसे तत्कालिक प्रभाव से हटवाते हुए अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति वितरण व्यवस्था बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जाए तथा खराब ट्रांसफार्मरों को 48
24 घंटे के अंदर बदल दिए जाए। सड़कों के निर्माण की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि नई सड़कों पर कार्य शीघ्र प्रारंभ हो, अधूरी सड़कों को पूरा किया जाए तथा क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत अति शीघ्र कराया जाए ताकि जनमानस का आवागमन सुगम हो सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग UPCD को तथा NHI को निर्देश दिए कि कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत तथा गुणवत्ता युक्त निर्माण पूर्ण करें। शिक्षा विभाग के संबंध में उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए कहा कि स्कूल चलो अभियान के तहत अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराया जाए तथा उन्हें यूनिफॉर्म, जूता, मोजा आदि समय से उपलब्ध करा दे और स्कूलों में छात्रों की 100% उपस्थिति होनी चाहिए। प्रदेश सरकार विद्यालयों की स्थिति, शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु निरंतर तत्पर है तथा इस दिशा में अनेक योजनाएं संचालित की है। पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि गांवों में जल निकासी की व्यवस्था ठीक की जाए, नालियों की सफाई कराई जाए, तालाबों से अतिक्रमण हटाए जाए और सभी गाँव में सफाई कर्मी की तैनाती होनी चाहिए ताकि गाँव की साफ सफाई बेहतर हो सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बाढ़ के दृष्टिगत किए जाने वाले सभी कार्यों को जून माह तक पूर्ण कर लिया जाए तथा महानगर को जल जमाव से निजात दिलाने हेतु सभी नाले नालियों की सफाई बरसात से पहले पूर्ण कर ली जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में कहा कि यह योजना सरकार की प्राथमिकताओं में से है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तार से अवगत कराते हुए प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया के निर्देशों का 100% अनुपालन ढंग से किया जाएगा। बैठक में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी, गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह गंगवार, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायकगढ़ महेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, राजेश त्रिपाठी, प्रदीप शुक्ला तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा, प्रभारी मंत्री जुड़ चुके हैं और एक राजमंत्री, तीनों विभाग अलग अलग माध्यमिक शिक्षा, पशु कल्याण, दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा, अभी शहरी सीमाएं शासन और प्रशासन दोनों एक दूसरे के पूरक में बेहतर बनाया जाता है। ये बैठक जो काम की समीक्षा की बैठक थी और आगे जो काम में बाधित है उसको पूरा किया जाए, हर एक एक विभाग के हर एक एक मुद्दे पर इसकी समीक्षा की गई। जैसे हर विभाग में जैसे PWD से जो जो जितने विभाग हैं जिसमें जो काम हुए हैं उसकी समीक्षा और जो आगे काम होने हैं उसकी समीक्षा, सब पे विचार किया गया, सब अधिकारियों को निर्देशित किया गया।